हेलो YouTube फैमिली, वेलकम टू अल्टीमेट मूवी एक्सप्लेनर। दोस्तों, जैसे कि हमने ऑल ऑफ अस आर डेड कहानी के पहले पार्ट में देखा था कि कैसे ऑन्जो के पिता मुश्किलों का सामना करते हुए ऑन्जो को बचाने के लिए रेस्क्यू कैंप से भाग निकले थे, जहां भागते वक्त उन्हें कमांडोस की एक गोली लग जाती है। और अगर आपने पहले पार्ट की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तो 7th एपिसोड की शुरुआत में हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो योसान में पूरी तरह फेल कर बचे हुए लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे, और वही हम ऑन्जो के पिता को भी देख पाते हैं जो अभी भी जिंदा थे, क्योंकि गोली उन्हें बस छूके निकल गई थी। और क्योंकि अब उनकी जान बच गई थी तो वो बिना वक्त गवाए ऑन्जो के स्कूल की तरफ निकल पड़ते हैं। अब स्कूल में हम सभी को देखते हैं जो अभी भी क्लास में छिपे हुए थे, क्योंकि गुइनाम ने नामरा को काट लिया था, इसलिए सुयोग नामरा को लेकर सभी से अलग बैठा हुआ था, जहां वो नामरा से अपने प्यार का इजहार करता है और बदले में नामरा भी सुयोग को हा कर देती है। दूसरी तरफ हम युंजी को देखते हैं जो ज़ॉम्बीज के काटने के बावजूद अभी भी ज़ॉम्बी नहीं बनी थी, या उसे क्लास से कुछ आवाजें आती है। और जब वो अंदर जाकर देखती है तो वहाँ वो एक टीचर को देखती है जो काफी घबराए हुए थे। युंजी को काफी भूख लगी थी, इसलिए वो फिश टैंक से एक मछली को जिंदा ही निकालकर उसे खा जाती है। यहाँ हम ये जान पाते हैं कि युंजी ज़ॉम्बीज के काटने के बाद पूरी तरह ज़ॉम्बी तो नहीं बनी थी, पर उसके शरीर में कुछ बदलाव जरूर हुए थे। उस टीचर को लगता है कि युंजी का दिमाग खराब हो चुका है, इसलिए वो युंजी पर हमला करते हैं। पर उस टीचर के वार से युंजी को कुछ भी नहीं होता, उल्टा गुस्से में युंजी एक ज़ॉम्बी की तरह उस टीचर को अपना शिकार बना लेती है। यहाँ नामरा की भी अब सुनने की शक्ति काफी बढ़ चुकी थी, जो किसी भी आवाज को बड़ी आसानी से सुन सकती है, जो एक आम इंसान बिल्कुल नहीं कर सकता। और नामरा भी ये सब महसूस कर पा रही थी कि उसके शरीर में कुछ बदलाव हो रहे हैं, और वो हल्की से हल्की आवाज को भी सुन सकती है। इसलिए वो सभी को वहाँ से निकलने के लिए कहती है, क्योंकि यहाँ कुछ ही देर में खतरा और बढ़ जाएगा। अब बाहर हम गुइनाम को देखते हैं और उसकी भी सुनने की शक्ति काफी बढ़ चुकी थी। तभी उसे एक आवाज आती है और आवाज का पीछा करते हुए वो अपने बुली गैंग के लीडर के पास आता है। बुली गैंग के लीडर को लगता है कि गुइनाम बिल्कुल नॉर्मल है, इसलिए वो गुइनाम को ऑर्डर देकर कहता है कि तुम उस तरफ भागो और मैं कैंटीन की तरफ भागता हूँ, जिससे ज़ॉम्बीज कंफ्यूज हो जाएंगे और कुछ वक्त बाद हम दोनों कैंटीन में मिलेंगे। पर गुइनाम उसकी चाल समझ चुका था कि ये जानबूझकर उसे मौत के मुंह में ढकेल रहा है, इसलिए गुइनाम बाहर जाने से बिल्कुल मना कर देता है। जिस पर गुस्से में वो लड़का गुइनाम को उसकी औकात दिखाते हुए उसे बदतमीजी से बात करता है। गुइनाम बिना कुछ बोले बाहर आकर अपने लीडर को घसीट के बाहर निकालता है और ज़ॉम्बीज का निवाला बना देता है और जोंगसन को मारने वहाँ से निकल पड़ता है। अब क्लास में सभी उस जगह से निकलने के लिए एक प्लान बनाते हैं और क्लास में मौजूद चीजों से उस जगह को दो हिस्सों में बांटने का फैसला करते हैं, जिसके बाद वो सभी म्यूजिक प्ले करेंगे। और जैसे ही ज़ॉम्बीज म्यूजिक की तरफ आएंगे तो वो दूसरी तरफ से बचकर छत पर चले जाएंगे। अब बिना वक्त गवाए सभी अपने प्लान को अंजाम देने लगते हैं। वही ऑन्जो के पिता भागते हुए खाली पड़े पुलिस स्टेशन में आकर हथियार ले लेते हैं और ज़ॉम्बीज का सामना करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ आर्चरी रूम में हम मिंजी, हारी और उनके दोस्तों को देखते हैं जो अपने घायल हुए दोस्त को स्ट्रेचर पर लेटाकर बाहर ले आते हैं। पर तभी उनकी तरफ कई सारे ज़ॉम्बीज बढ़ने लगते हैं, इसलिए मजबूरन वो लोग अपनी जान बचाने के लिए फिर से अंदर आकर छिप जाते हैं। अब हम जोंगसान के मॉम के रेस्टोरेंट में उसी ऑफिसर और उसके साथी को देखते हैं जो वहाँ से भागने की तैयारी कर रहे थे, और हिसू की बेबी और उस बच्ची को भी लेकर ज़ॉम्बीज से बचकर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जहाँ आगे बढ़ते हुए उन्हें वही व्लॉगर मिलता है जो ज़ॉम्बीज को शूट करने योसान में घुसाया था। वो व्लॉगर उस ऑफिसर से मदद मांगता है और जब वो ऑफिसर उस व्लॉगर की मदद करने के लिए नीचे उतरता है, ऑफिसर का साथी ऑफिसर को वही छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। क्लास में अब सभी ने वहाँ मौजूद चीजों से एक दीवार बना दी थी, जैसा कि उन्होंने तय किया था, और वो एक तरफ म्यूजिक को प्ले करके ज़ॉम्बीज को अंदर आने देते है। पर अभी भी कई सारे ज़ॉम्बीज बाहर थे, इसलिए वो चीजों से आवाज करके बचे हुए ज़ॉम्बीज को भी अट्रैक्ट करते है। पर ज़ॉम्बीज की तादाद ही इतनी थी कि उनकी बनाई गई दीवार भी गिरने लगी थी। अब हम उसी पॉलिटिशियन को देखते हैं जिसे ऑन्जो के पिता के साथ क्वारंटाइन किया हुआ था। वो सोल्जर्स को बताती है कि हमारे साथ वाला फायर फाइटर अकेले ही बच्चों को बचाने के लिए स्कूल की तरफ चला गया है। सोल्जर फौरन ये बात आकर अपने कमांडर को बताता है, पर जब उसे पता चलता है कि अब तक कोई भी रेस्क्यू टीम योसान स्कूल रेस्क्यू करने नहीं गई है, तो कमांडर फौरन एक रेस्क्यू टीम को योसान स्कूल की तरफ रवाना कर देता है। यहाँ स्कूल में ये सब रास्ता साफ देखकर काफी तेजी से छत की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर गुइनाम उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। और क्लास में ज़ॉम्बीज भी सभी के द्वारा बनाई गई दीवार को तोड़कर छत की तरफ जाने लगते हैं। अब ये सभी ऊपर आते हैं, पर छत का दरवाजा बाहर से लॉक था। नीचे सभी इस वक्त ज़ॉम्बीज से लड़ रहे थे, जहाँ गुइनाम भी जोंगसन को मारने के लिए पहुंच जाता है। हम यहाँ नीचे युंजी को भी देखते हैं जो आराम से स्कूल के बाहर जा रही थी, जहाँ वो अपने सामने उन्हीं लोगों को देखती है जिन्होंने कभी उसे परेशान किया हुआ था, जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुके थे। पर युंजी
मुखर्जी के लिए इतना ही काफी नहीं था, वो फौरन फिर से स्कूल के अंदर आकर क्लास में आग लगा देती है। दूसरी तरफ गुइनाम चोंगसान को मारने उसके सामने आ जाता है, जिस पर चोंगसान जोरदार हमला करता है, पर गुइनाम पर उसका कोई भी असर नहीं होता। जब नामरा देखती है कि गुइनाम चोंगसान को मार रहा है, तो चोंगसान को बचाने के लिए नामरा फौरन वहां आ जाती है और गुइनाम को पकड़कर ऊपर से नीचे फेंक देती है। छत पर युनजी का दोस्त ऑफिसर्स को बताता है कि सिर्फ मैं ही अकेला जिंदा बचा हूं। ये सुनकर रेस्क्यू टीम बिना तहकीकात किए ही सिर्फ युनजी के दोस्त को ही रेस्क्यू करके वहां से ले जाने लगती है। तभी युनजी के आग लगाने की वजह से फायर अलार्म बजने लगता है, जिस वजह से छत का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। वो सभी हेलीकॉप्टर को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, पर हेलीकॉप्टर की तेज आवाज के कारण रेस्क्यू टीम उनकी आवाज सुन नहीं पाती। लेकिन युनजी का दोस्त नीचे उन सबको देख लेता है, पर वो डरपोक उस बारे में किसी को भी नहीं बताता। अंदर से गुइनाम दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था, जिसे तोड़ते वक्त गुइनाम अपने ही हाथ को तुड़वा लेता है। आग लगाने के बाद युनजी फिर से स्कूल के बाहर निकल कर एक साइकिल की मदद से वहां से जाने लगती है। छत पर चोंगसान सुयोग को बताता है कि ज़ॉम्बीज के काटने के बाद गुइनाम ने खुद को ज़ॉम्बी बनने से रोक लिया है, पर उसके अंदर काफी ताकत आ गई है, जिस वजह से वो मर नहीं रहा, और मुझे लगता है कि नामरा भी उसी की जैसी बन जाएगी। जिस पर सुयोग ठीक है कहकर सभी वहां मदद के लिए SOS का साइन बनाते हैं, ताकि रेस्क्यू टीम उन्हें ऊपर से भी देख सके। वही ओंजो के पिता भी अब लगातार आगे बढ़ रहे थे, और वो ऑफिसर भी उस व्लॉगर की मदद करते वक्त अभी भी छत पर ही फंसा हुआ है, इसलिए वो चीजें फेंक कर ज़ॉम्बीज को आवाजों से भटकाने की कोशिश करते है। तभी ऑफिसर का वही साथी उस जगह एक बस लेकर आ जाता है, जो उन्हें छोड़कर भाग गया था। ऑफिसर और व्लॉगर दोनों बस के ऊपर जैसे ही कूदते हैं, ऑफिसर का साथी बस लेकर वहां से निकलने लगता है। दूसरी तरफ SOS का साइन बनाने के बाद भी अब तक कोई भी उन्हें बचाने के लिए नहीं आया था, और अब शाम भी होने वाली थी, इसलिए वो लोग आग जलाने की कोशिश करते हैं, पर आग जल नहीं पाती। तभी नामरा उन्हें अपना लाइटर निकाल कर देती है, जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि नामरा अकेले रहने वाली एक पड़ाकू लड़की है। वो नामरा से लाइटर लेकर फौरन उस लाइटर से आग जलाते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है, जहाँ ऑफिसर बस में सवार आगे बढ़ रहा था। तभी गलती से ऑफिसर के साथी से बस ठुक जाती है। ऑफिसर बाहर आकर देखता है कि बस से टकराने वाली एक लड़की है, और वो और कोई नहीं बल्कि युनजी है। वो युनजी से पूछता है कि अगर तुम ठीक हो तो हमारे साथ चल सकती हो, हम रेस्क्यू कैंप पे जा रहे हैं। तभी वहाँ कुछ कमांडोज आ जाते हैं। जब उन लोगों को विश्वास होता है कि ये लोग इंसान है, तो कमांडोज उन्हें रेस्क्यू करके वहाँ से ले जाते हैं। वही आर्चरी रूम में मिंजी हारी से तीरंदाजी की ट्रेनिंग ले रही थी, ताकि वक्त आने पर वो भी ज़ॉम्बीज का मुकाबला कर पाए। या नायोंग भी चुपके से स्टोर रूम से बाहर आ जाती है, जहाँ उसे वही हैंडीकैप मिलता है जिसमें सभी ने अपना वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसे लेकर वो फिर से स्टोर रूम के अंदर आ जाती है। नायोंग जब उन सभी के वीडियोस को देखती है, तो उसे एहसास होता है कि उसने सभी के साथ कितना गलत किया है, इसलिए अपनी गलती को सुधारने के लिए वो सभी के लिए खाना ले जाने का फैसला करती है। तभी उसे याद आता है कि जब मैंने जोंसुक के साथ वो सब किया, तब सभी ने किस तरह उससे बर्ताव किया था, और इस बार वो सबका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती और निराश होकर वही बैठ जाती है। तभी उसे याद आता है कि उसे बचाने के लिए मिस पार्क ने खुद की कुर्बानी दे दी, और ज़ॉम्बी बनने से पहले मिस पार्क ने कहा था कि तुम वापस लौटकर सभी से माफी मांग लेना, जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिस पार्क की कुर्बानी के खातिर नायोंग फिर से सभी के लिए खाना लेकर वहाँ से बाहर आती है, जहाँ उसके सामने गुइनाम आता है, जिसे काफी भूख लगी थी। वो अपनी भूख पर काबू नहीं रख पाता और नायोंग को ही अपना शिकार बनाकर अपनी भूख मिटाता है। नायोंग को खाने के बाद गुइनाम खिड़की से बाहर आकर पाइप के जरिए ऊपर जाने लगता है। वही छत पर चोंगसान ओंजो को बताता है कि वो उसे कितना पसंद करता है, जिस पर ओंजो चोंगसान को वहाँ से जाने के लिए कहकर वही बैठकर रोने लगती है। तभी गुइनाम ऊपर आकर ओंजो को मारने की कोशिश करता है, जिसे देखकर चोंगसान ओंजो को बचाने जाता है, पर गुइनाम चोंगसान को भी मारने लगता है। तभी ओंजो आगे बढ़कर चोंगसान की मदद करने जाती है, पर गुइनाम ओंजो को दूर फेंक देता है। ये देखकर सभी गुइनाम से लड़ने लगते है, पर गुइनाम अकेले ही सभी पर काफी भारी पड़ रहा था। तभी नामरा गुस्से में आगे बढ़कर सुयोग की मदद से गुइनाम को छत से नीचे फेंक देती है, पर गुइनाम अभी भी मरा नहीं था। दूसरी तरफ हम रेस्क्यू कैंप को देखते हैं, जहाँ कमांडोज ने एक ज़ॉम्बी को पकड़ा था, जिस पर जांच हो रही थी, पर डॉक्टर्स को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि ये किस तरह का वायरस है, क्योंकि ये वायरस हर पल अपना रूप बदल रहा है। तभी वहाँ एक ऑफिसर आकर कमांडोज को बताता है कि हमने किसी को रेस्क्यू किया है जो इस वायरस के बारे में कुछ जानता है। इस बात को सुनकर कमांडर फौरन उस ऑफिसर से बात करने लगते है। ऑफिसर कमांडर को बताता है कि ये वायरस योसान स्कूल के एक टीचर ने बनाया है, और इस वायरस की सारी जानकारी उस टीचर के लैपटॉप में है, जो इस वक्त योसान स्कूल के साइंस लैब में मौजूद है। इस बात को सुनकर कमांडर फौरन एक टीम को स्कूल से लैपटॉप लाने का
ऑर्डर दे देते है। वही बाहर युनजी के दोस्त को भी रेस्क्यू करके वहाँ लाया गया था, जो अपने सामने युनजी को देखता है। युनजी अपने दोस्त को डरपोक कहकर उसे बहकी बहकी बातें करने लगती है। युनजी के दोस्त को कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर युनजी ऐसी बातें क्यों कर रही है। तभी युनजी उससे कहती है कि मुझे जब भी भूख लगती है मैं ऐसे ही बर्ताव करती हूँ। ये सुनकर युनजी का दोस्त उसे अपना खाना देता है, पर युनजी उससे कहती है कि मुझे तुम्हें खाना है। इस बात को सुनकर वो काफी डर जाता है। दूसरी तरफ छत पर सभी नामरा से काफी डर चुके थे, क्योंकि उसने जॉम्बी बनकर गुई नाम को छत से नीचे फेंक दिया। इस ग्रुप में एक लड़की को लग रहा था कि वो नामरा के साथ सेफ नहीं है, क्योंकि अब से हमें एक साथ ही रहना है। नामरा सभी को बताती है कि मेरा कभी भी कोई दोस्त नहीं था और मुझे नहीं पता कि दोस्तों के साथ कैसे रहा जाता है, पर इस वक्त एक साथ ऐसे आग के पास बैठकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। नामरा ये भी कहती है कि जब हम यहाँ से निकलेंगे तो फिर से इसी तरह कैंप फायर करेंगे। नामरा की बातों को सुनकर सभी काफी इमोशनल हो जाते हैं। तभी नामरा को कुछ आवाज आती है, सबको लगता है कि शायद ये ज़ॉम्बीज़ होंगे। तभी उन्हें वहाँ एक हेलीकॉप्टर आता दिखता है, जिसे सभी आग की लकड़ियों से इशारा देते हैं। असल में ये टीम कमांडर ने भेजी हुई थी, जो स्कूल से उस लैपटॉप को लेने आई थी। कमांडो सारे बच्चों को वहाँ लेटने के लिए कहकर सभी को चेक करते हैं। सभी का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक होता है सिवाय नामरा के। उन्हें लगता है कि शायद नामरा की तबीयत खराब है। कमांडो सभी से कहते हैं कि हम नीचे जाकर आते हैं, तब तक तुम यही रहना। कमांडर कैमरा के जरिए इन सब पर नजर रखे हुए थे। आर्चरी रूम में वो चारों भी हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर छत पर जाने का फैसला करते हैं। वही कमांडो ज़ॉम्बीज को मारते हुए साइंस लैब से लैपटॉप हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। कमांडर फौरन बच्चों को और लैपटॉप को लेकर वहाँ से निकलने के ऑर्डर्स दे देते हैं। तभी कमांडर के पास एक सोल्जर भागते हुए आता है और उन्हें बताता है कि कैंप में एक हादसा हो गया है। कैमरा में देखने पर उन्हें पता लगता है वाकई में युनजी अपने ही दोस्त को खा रही है। सोल्जर्स फौरन आकर युनजी को पकड़ लेते हैं और चेक करने पर उन्हें पता लगता है कि युनजी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड है, पर युनजी में कोई भी ऐसे सिम्टम्स नहीं थे। कमांडर को ये डर था कि अगर रेस्क्यू किए गए बच्चों में से कोई इन्फेक्टेड निकला तो यहाँ काफी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कमांडर टीम को ये ऑर्डर्स देते हैं कि बच्चों को वही छोड़कर सिर्फ लैपटॉप लेकर वहाँ से निकलो। पूरी टीम ऑर्डर्स फॉलो करती है और वहाँ से बिना बच्चों को लिए निकल जाती है। वही आर्चरी रूम में फंसे मिंजी हारी और उसके दोस्त हेलीकॉप्टर की आवाज सुन के वहाँ से बाहर आते हैं। वो लोग हेलीकॉप्टर को आवाज लगाते हैं, पर टीम उन्हें देख नहीं पाती। तभी उनकी आवाज से वहाँ कुछ ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए वो लोग भागने लगते हैं। यहाँ ऑन्जो के पिता भी बिना रुके ऑन्जो को बचाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी वहाँ एक आदमी आकर ऑन्जो के पिता से मदद मांगता है, क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। ऑन्जो के पिता चाहकर भी उस आदमी की मदद नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें ऑन्जो को बचाने जाना था। ऑन्जो के पिता उस आदमी को हथियार और कुछ खाने पीने के लिए देकर वहाँ से आगे बढ़ने लगते है। यहाँ रेस्क्यू कैंप में जब डॉक्टर युनजी के बॉडी की जाँच करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि अभी भी युनजी की बॉडी में ज़ॉम्बी वायरस के सिम्टम्स है और योसान में ऐसे और भी कई लोग हो सकते है। जिसे सुनकर कमांडर ऑर्डर देते है कि योसान से आए सभी लोगों को बाकी लोगों से अलग किया जाए। इसलिए पॉलिटिशियन उस ऑफिसर और उनके साथियों को बाकी लोगों से अलग क्वारंटाइन किया जाता है। कुछ देर बाद योसान में बारिश होने लगती है और काफी वक्त बाद पानी मिलने पर सभी काफी खुश होते हैं, पर बिजली की आवाज से नामरा और गुइनाम को काफी परेशानी हो रही थी। चोंगसान को यह समझ आता है कि ज़ॉम्बीज आवाजों से उनका पीछा करते हैं, लेकिन बिजली की आवाज से वो कंफ्यूज हो जाएंगे और हम स्कूल के पीछे वाले पहाड़ पर चले जाएंगे। और वो इस प्लान को अंजाम देने के लिए ज़ॉम्बीज से बचते बचाते हुए बिल्डिंग से बाहर आकर पहाड़ की तरफ जाने लगते है। वही हारी मिंजो और उनके दोस्त भी उस पहाड़ पर जाने का डिसाइड करते है। यहाँ जब सभी भाग रहे थे तभी चोंगसान के सामने उसकी मॉम आती है, जो कि अब एक ज़ॉम्बी थी। चोंगसान अपनी मॉम को इस हालत में देखकर शॉक हो जाता है, और क्योंकि चोंगसान के दोस्तों को नहीं पता था कि ये उसकी मॉम है, इसलिए वो उन्हें मारने लगते है। ये देखकर चोंगसान सभी से कहता है कि उन्हें मत मारो, लेकिन कोई भी नहीं रुकता। तभी चोंगसान अपनी मॉम को आवाज लगाता है, जिससे सभी समझ जाते है कि ये चोंगसान की मॉम है। चोंगसान खुद को बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रहा था। तभी ऑन्जो उसे उठाकर सभी आगे बढ़ने लगते है, क्योंकि वह ज़ॉम्बीज उनके पीछे आ रहे थे। वही मिंजो और हारी भी अब आगे बढ़ रहे थे, जहाँ हारी देखती है कि चोंगसान और उसके दोस्तों के पीछे ज़ॉम्बीज पड़े हैं। यहाँ भागते वक्त एक लड़की नीचे गिर जाती है, पर उसकी मतलबी दोस्त उसे वही मरने के लिए छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। तभी वह योजिन आकर उस लड़की को ज़ॉम्बीज से बचा लेता है। उसी दौरान हारी भी अपने भाई योजिन को बचाने के लिए वह आ जाती है। हारी अपने भाई को बचाकर सभी के साथ ऑडिटोरियम में आती है, जहाँ पहले ही काफी सारे ज़ॉम्बीज उनका स्वागत करने बैठे थे। ज़ॉम्बीज उन्हें देख लेते हैं और उन्हें खाने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, पर मिंजी का दोस्त जख्मी होने के कारण भाग नहीं पाता। वो मिंजी से भागने के लिए कहता है, पर मिंजी उसकी एक नहीं सुनती, इसलिए वो खुद मिंजी को बचाने के लिए ज़ॉम्बीज के सामने
कूद जाता है, जिस वजह से जॉम्बीज उसे अपना शिकार बना लेते हैं। हारी मिंजी को लेकर सभी के साथ सेफली एक रूम में आ जाती है। मिंजी अपने दोस्त की मौत से काफी दुखी थी। सभी चोंगसान से माफी मांगते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो चोंगसान की मॉम है। लेकिन इस वक्त चोंगसान सोचने समझने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। बाहर चोंगसान के ग्रुप की एक लड़की ग्रुप से अलग हो जाती है, जिसे जॉम्बीज बड़ी बेरहमी से मार देते हैं, जिसके बाद वो भी एक जॉम्बी बन जाती है। दूसरी तरफ रेस्क्यू कैंप में कमांडर मिस्टर ली के लैपटॉप में उनकी रिकॉर्ड की गई वीडियो देखते हैं, जिससे उन्हें पता लगता है कि जॉम्बी वायरस का कोई भी एंटीडोट नहीं बना सकता, क्योंकि ये वायरस हर पल खुद को बदल सकता है और इस महामारी को रोकने का बस एक ही तरीका है, उन जॉम्बीज को जला दिया जाए जिससे उनका एक भी अंश ना बचे। रिकॉर्डिंग को देखकर कमांडर योसान के बाहर सिक्योरिटी और भी टाइट कर देते हैं। अब अगली सुबह हम फिर से ओंजो के पिता को देखते हैं, जो अभी भी स्कूल नहीं पहुंचे थे। वही स्कूल में हम सभी को देखते हैं, जो अब दूसरी तरफ फंस गए थे, और ओंजो की मदद से चोंगसान ने भी खुद को संभाल लिया था। यही अब ओंजो के पिता पहाड़ से होते हुए पेड़ों पर निशान लगाते हुए स्कूल की तरफ बढ़ रहे थे। स्कूल में सभी काफी परेशान थे। तभी सुयो को एक आइडिया आता है कि वो लोग वहाँ मौजूद चीजों से एक हिलने वाली शील्ड बना सकते हैं, जिससे कि हम सभी ज़ॉम्बी से बच सकते हैं, और सभी शील्ड बनाना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ कमांडर को पता लगता है कि ज़ॉम्बीज योसान से बाहर निकलकर दूसरे इलाके में भी घुसकर अपना आतंक मचा रहे हैं, इसलिए कमांडर फौरन उन इलाकों को खाली करने का ऑर्डर दे देते हैं। यहाँ स्कूल में सभी अपने बॉडी को कवर करके बैरिकेड्स बनाकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तभी काफी सारे ज़ॉम्बीज उन पर टूट पड़ते हैं। हालांकि सभी ज़ॉम्बीज को मारकर उन्हें अंदर आने से रोक रहे थे, उसी दौरान एक ज़ॉम्बी एक लड़के को काट लेता है। वो जानता था कि वो अब नहीं बचने वाला, इसलिए वो खुद अपनी कुर्बानी देकर ज़ॉम्बीज के बीच कूद जाता है और आगे बढ़ने के लिए अपने दोस्तों के लिए रास्ता बनाता है। वही कमांडर ये फैसला करते हैं कि योसान में फैले सारे ज़ॉम्बीज को वो एक जगह लाकर बॉम्ब से उस जगह को उड़ा देंगे, ताकि ये वायरस और ना फैले। ओंजो के पिता भी अब लगभग स्कूल पहुंच चुके थे और वहाँ सभी ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए ऑडिटोरियम के पिछले दरवाजे तक आते हैं, लेकिन पिछला दरवाजा बाहर से लॉक था। ओंजो दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है पर खोल नहीं पाती। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और ओंजो अपने सामने अपने पिता को देखकर उनके गले लगती है और सभी उस जगह से बाहर आ जाते हैं। वही गुइनाम चोंगसान को ढूंढते हुए आर्चरी रूम में आता है और उसे वह चोंगसान नहीं मिलता। यही ओंजो के पिता सभी से कहते हैं कि वो पहाड़ की दूसरी ओर जाकर बच सकते हैं। तभी उनकी तरफ कुछ ज़ॉम्बीज आने लगते हैं, इसलिए बिना वक्त गवाए वो सभी पहाड़ की तरफ बढ़ने लगते हैं और भागते हुए एक ग्राउंड में आ जाते हैं, जहाँ चारों तरफ से ज़ॉम्बीज अंदर आने लगते हैं। ओंजो के पिता चोंगसान को ओंजो को यहाँ से ले जाने का कहकर खुद दूसरी तरफ जाकर ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं और बाकी सभी दूसरी तरफ से बाहर आ जाते हैं। ओंजो के पिता खुद को ग्राउंड में ही लॉक कर लेते हैं क्योंकि वो भी ज़ॉम्बी से इन्फेक्ट हो चुके थे। उसी दौरान वहाँ कई सारे ज़ॉम्बीज आकर ओंजो के सामने उसके पिता को नोचने लगते हैं। सभी होश संभालते हुए ओंजो को लेकर उस जगह से निकलकर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में आते हैं, लेकिन वहाँ भी उनका सामना कई सारे ज़ॉम्बीज से होता है, इसलिए वो लोग बिल्डिंग के बाहरी ओर आकर वही बैठ जाते हैं। ओंजो की भी अब वही हालत थी जो कुछ वक्त पहले चोंगसान की थी। चोंगसान ओंजो के दुख को समझ पा रहा था, इसलिए वो उसे संभालने की कोशिश करता है। अब ओंजो के पिता भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुके थे। दूसरी तरफ गुइनाम हारी के दोस्त को काट कर उससे पता कर लेता है कि सभी कहाँ गए हैं, और गुइनाम बिना वक्त गवाए चोंगसान की तलाश में उस तरफ निकल पड़ता है। अब कमांडर आखिर डिसीजन ले लेते हैं कि वो ड्रोन की मदद से चार जगहों पर बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे। वो अपने सोल्जर्स को बताते हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट करने से पहले हर तरफ जोरों से अनाउंसमेंट शुरू कर दो, ताकि अगर उस जगह कोई इंसान बचा हो तो वो बचकर निकल सके। जिसके बाद हम फिर से अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का सीन देखते हैं, जहां नामरा धीरे धीरे खुद पर से कंट्रोल खो रही थी, जिसके चलते वो सुयोग को काटने जाती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती और वो खुद के ही हाथ को काट लेती है। उसी दौरान नामरा को अनाउंसमेंट की आवाज आती है कि योसान पर मिलिट्री बॉम्ब गिराने वाली है, जिसे जानकर सभी काफी डर जाते हैं। वही मिलिट्री अब काफी सारे ड्रोन्स को हवा में उड़ाते हैं, जिसकी आवाज से शहर के सारे ज़ॉम्बीज ड्रोन का पीछा करने लगते हैं। अब दूसरी तरफ यहाँ गुइनाम भी चोंगसान तक पहुंचकर उसे काट कर इन्फेक्ट कर देता है। तभी ड्रोन से निकलने वाली तेज आवाज गुइनाम और नामरा को तकलीफ देने लगती है, और इसी मौके का फायदा उठाकर चोंगसान गुइनाम को नीचे धक्का दे देता है। यही शहर के सारे ज़ॉम्बीज अब कमांडर के प्लान के मुताबिक चारों जगहों पर इकट्ठा हो गए थे। ये देखकर कमांडर फौरन उन जगहों को बॉम्ब से तबाह करने के ऑर्डर्स निकाल देते हैं। अब यहाँ गुइनाम के काटने के बाद चोंगसान जान चुका था कि वो भी अब नहीं बचेगा। तभी ओंजो चोंगसान के पास आकर उसे दिलासा देने की कोशिश करती है, पर चोंगसान को इस वक्त सिर्फ ये पता था कि उसे किसी भी हालत में अपने दोस्तों की जान बचानी है। चोंगसान ओंजो को अपना नेम टैग देकर उसे संभाल कर रखने के लिए कहता है और आखिरी बार उसे गले से लगाता है। चोंगसान ओंजो को सुयो को सौंप कर बिल्डिंग के
अंदर आ जाता है और सारे जोम्बिस को अपनी तरफ बुलाता है ताकि उसके दोस्तों को भागने का रास्ता मिले। यहाँ चोंगसन लिफ्ट बनने वाली जगह पर कूद जाता है जिसे पकड़ने के चक्कर में सारे जोम्बिस नीचे गिरने लगते है। वही गुइनाम अभी भी जिंदा था जो फिर से बिल्डिंग के अंदर आ जाता है और बाकी सब भी बिल्डिंग से सही सलामत बाहर आ जाते हैं। गुइनाम अब चोंगसन के पास आता है उसे मारने के लिए, लेकिन चोंगसन मिट्टी लेकर गुइनाम के आंखों में डालकर उसे बुरी तरह मारने लगता है, लेकिन गुइनाम पर उसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। तभी गुइनाम चोंगसन की भी एक आंख फोड़कर अपना बदला ले लेता है। अब कमांडर उन चारों जगहों पर बॉम्ब गिरवा देते हैं और उन बॉम्ब की वजह से उन चारों जगहों के साथ आसपास की भी जगह तबाह होने लगती है जिसमें वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग भी थी। चोंगसन गुइनाम को अपने सामने लेकर खुद को आग से बचाते हुए नीचे कूद जाता है। ब्लास्ट का इतना भयानक नजारा देखकर कमांडर कुछ देर शॉक में चले जाते हैं क्योंकि उनके डिसीजन के वजह से ना जाने कितने मासूम लोग मर गए होंगे। कमांडर अपने एक साथी को आगे के सारे ऑपरेशन का लीडर बनाकर कंट्रोल रूम से निकल जाते हैं और उस पॉलिटिशियन के पास आकर उन्हें बताते हैं कि हमने योसान पर बॉम्ब गिराया है, जिसे सुनकर पॉलिटिशियन को काफी गुस्सा आता है। कमांडर उस पॉलिटिशियन से कहते हैं कि मैं यहाँ आपको ये बताने आया हूँ कि इस वक्त बचे हुए लोगों को आपकी बहुत जरूरत है। ये कहकर वो अपने कैबिन में आकर सभी से माफी मांगते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड करते है, जिसके बाद आखिरी बार वो अपनी वाइफ से फोन पर बात करते है और गिल्ट में खुद को शूट करके सुसाइड कर लेते है। दूसरी तरफ जंगल में और रेस्क्यू कैंप में सभी योसान शहर को अपने आंखों से जलता हुआ देख रहे थे। अब ये लोग सुबह होने तक जंगल में ही रुकने का फैसला करते हैं और सुबह जब योसान में लगी हुई आग पूरी तरह बुझ जाती है तो ओंजो फिर से अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में आकर चोंगसन को ढूंढने लगती है और उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता। अगले पल वहाँ नामरा आकर ओंजो को वहाँ से ले जाती है और सभी मिलकर रेस्क्यू कैंप की तरफ बढ़ने लगते है। वही अब सोल्जर्स भी शहर में लौट कर बचे हुए ज़ॉम्बीज़ को ढूंढ कर मार रहे थे। दूसरी तरफ रेस्क्यू कैंप की ओर बढ़ते वक्त सभी जंगल में ही भटक जाते हैं। तभी उन्हें ओंजो के पिता द्वारा पेड़ों पर लगाई हुई निशानी मिलती है जिनकी मदद से वो सभी जंगल से बाहर आकर योसान के पास ही के एक शहर में आते हैं जो पूरी तरह सुनसान पड़ा हुआ था। तभी नामरा को ज़ॉम्बीज की आवाजें आने लगती है। वो सबको बताती है कि ज़ॉम्बीज काफी तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। इस बात को सुनकर सभी वहाँ मौजूद चीजों को उठाकर ज़ॉम्बीज से लड़ने तैयार हो जाते हैं और जैसे ही ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आते हैं वो सभी जी जान लगाकर उनसे लड़ने लगते हैं, जिस दौरान हारी को बचाते हुए उसके भाई योजिन को ज़ॉम्बीज इन्फेक्ट कर देते हैं और पलक झपकते ही योजिन एक ज़ॉम्बी बनकर अपने ही बहन हारी को खाने जाता है। तभी नामरा योजिन की गर्दन तोड़कर हारी को बचा लेती है। योजिन की मौत से अब सभी काफी दुखी हो चुके थे। तभी नामरा को हारी का खून देखकर भूख लगने लगती है, लेकिन जैसे तैसे वो अपने आप पर कंट्रोल रखती है, जिसके बाद सभी वहाँ से आगे बढ़ने लगते है लेकिन नामरा पीछे ही रह जाती है। तभी सुयोग मुड़कर देखता है कि नामरा उनके साथ नहीं है, इसलिए सुयोग और ओंजो नामरा को ढूंढने फिर से शहर के अंदर आ जाते है, जहाँ वो लोग देखते है कि नामरा एक मरे हुए ज़ॉम्बी को खा रही है। ओंजो को देखकर नामरा उसे खाने उसकी तरफ बढ़ती है और उस पर हमला कर देती है। सुयोग नामरा को रोकने की कोशिश करता है पर वो नाकामयाब रहता है। हालांकि वो नामरा को मार भी नहीं सकता था। नामरा अपने आप को रोकते हुए वहाँ से निकलकर फिर से स्कूल की तरफ जाने लगती है क्योंकि वो अपने दोस्तों को मार नहीं सकती थी। सुयोग और ओंजो दोनों फिर से नामरा की तलाश करते है पर वो उन्हें नहीं मिलती, इसलिए वो वापस लौट कर सभी के साथ उस शहर से बाहर आ जाते है जहाँ कमांडो ज़ॉम्बीज को मारने वहाँ तैनात थे। सभी कमांडोस के सामने सरेंडर करके आगे बढ़ने लगते हैं, जिससे कमांडोस को विश्वास हो जाता है कि ये लोग इंसान हैं। और यहाँ सभी को अपने दोस्तों की कुर्बानी याद आने लगती है जिन्होंने उन्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए अपनी जान दे दी। अब कमांडोस सभी को रेस्क्यू करके रेस्क्यू कैंप लाते है, जहाँ सभी से पूछताछ करके योसान के बाकी लोगों के साथ सभी को क्वारंटाइन कर दिया जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और हम 3 महीने बाद का सीन देखते है, जहाँ अब योसान के हालात सुधरने लगे थे लेकिन अभी भी उन लोगों को क्वारंटाइन में रहना पड़ रहा था। उस रात ओंजो चुपके से कैंप से बाहर आकर जंगल में एक पेड़ के पास आती है, जिस पर उसने अपने सभी दोस्तों के नेम टैग लटकाए हुए थे जो ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स के दौरान मर गए थे। तभी ओंजो पहाड़ से स्कूल के छत पर कैंप फायर देखती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि शायद नामरा अभी भी जिंदा है, इसलिए वापस लौटकर अगली सुबह वो सुयोग को ये सारी बात बता देती है और उसे कहती है कि आज रात हम स्कूल जाएंगे। रात होते ही ओंजो देखती है कि उसके सारे दोस्त भी एक साथ स्कूल जाने के लिए तैयार है। वो सभी स्कूल के छत पर आते हैं जहाँ वो लोग कैंप फायर को जलता हुआ देखते हैं। तभी पीछे से नामरा आती है जिसने अपने आप पर पूरी तरह कंट्रोल कर लिया था। सभी नामरा से कहते हैं कि हमारे साथ चलो क्योंकि अब सब कुछ ठीक हो रहा है, जिस पर नामरा उनसे कहती है कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरी तरह यहाँ और भी कई लोग हैं जिन्होंने खुद पर पूरी तरह कंट्रोल कर लिया है। और देखते ही देखते नामरा छत से नीचे कूद जाती है, जिसके साथ ही ऑल ऑफ अस आर डेड सीजन 1 की पूरी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों
दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।